सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बिहार की नीतीश सरकार पर भड़क गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के जज रुद्र प्रकाश मिश्रा को कई महीनों से वेतन मिलने के मामले की सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान राज्य सरकार पर गंभीर रुख अपनाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने बिहार सरकार को सख्त निर्देश दिया कि वह जस्टिस मिश्रा के लिए अस्थायी सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ खाता खोलकर उनकी लंबित तनख्वाह जारी करे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी भी जज से वेतन के बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। गौरतलब है जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा को 4 नवंबर 2023 को जिला न्यायपालिका से पटना हाई कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। उन्हें उनकी पदोन्नति की तारीख से वेतन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास जीपीएफ खाता नहीं है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर वेतन लेने के लिए एक शर्त है। आपको बता दें, अधीनस्थ अदालतों के न्यायाधीश नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और इसलिए उनके पास जीपीएफ खाते नहीं है। न्यायमूर्ति मिश्रा को अपना वेतन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एनपीएस के अंतर्गत नहीं आते हैं। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उन्हें वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, यह क्या है, हम उनकी तनख्वाह जारी करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेंगे। बिहार सरकार से पीठ ने कहा कि वह बिहार सरकार को न्यायमूर्ति मिश्रा के लिए एक अस्थायी जीपीएफ खाता खोलने का निर्देश देगी। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार तक का समय मांगा और पीठ को आश्वासन दिया कि तब तक मुद्दा सुलझ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।